Let's do question number 19th of exercise 3B, that is linear equation in two variable. Question number 19th is solve for x and y. हमें x और y की value निकालनी है. यहाँ पे equation दी हुई है x plus 6 upon y equals to 6 and 3x minus 8 upon y equals to 5. यहाँ पे y equals to 0 नहीं होगा. ये हमने last question में भी पढ़ा है. Please आप मेरा intro चैप्टर ज़रूर देखें और सारी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से ज़रूर देखें, क्योंकि सब चीज़ें एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है. तो मैं थोड़ा थोड़ा जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ बतानी चाहिए मैं वहाँ उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो चलिए सॉल्व करते हैं. हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू 5. हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वहाँ हमने 1 अपॉन एक्स लिया था, यहाँ पे हम 1 अपॉन वाई बी ले लेंगे. राइट, एक्स ए भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. तो हमने क्या लिखा, एक्स प्लस यहाँ पे 6 अपॉन वाई है, तो 6 इंटू 1 अपॉन वाई लिखूँ तो भी 1 अपॉन वाई आ जाएगा. तो ये क्या हुआ, 6 बी हो गया. तो ये लिखा एक्स प्लस 6 बी इक्वल्स टू 6. ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन. और ये हो गई 3x माइनस 8b इक्वल्स टू 5. जैसे यहाँ हुआ है 6b, वैसे यहाँ 8b हो गया. राइट, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे x के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं है, यहाँ पे 3 है. तो हम इस 3 की मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में कर देंगे, थर्ड में. और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये कितना आ गया, 3x प्लस 18 बी इक्वल्स टू 18. और नेक्स्ट इक्वेशन एज इट इज माइनस 8b इक्वल्स टू 5. अब देखिए साइन दोनों के सेम है, तो हमने नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए. तो ये आ गया माइनस का, ये प्लस का, क्योंकि माइनस का 8 था, और ये आ गया माइनस का. तो कितना बच गया, ये कैंसिल हो गया. अब 18 और 8 दोनों प्लस के हैं, तो आपस में ऐड हो जाएंगे. तो कितना आया, बी एज इट इज 26 आ गया, और ये माइनस होके 13 आ गया. तो बी कितना आ गया, 13 अपॉन 26. तो ये क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 2. राइट, 13 वन ज़ा 13 13 टू ज़ा 26. अब आप चाहें तो y की वैल्यू यही निकाल सकते हैं, पहले y की निकाल लें फिर x की निकाल लें, या पहले हम x की निकाल लें. तो लेकिन मैं पहले x की निकाल रही हूँ. पुटिंग बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इन इक्वेशन थर्ड में रख देती हूँ. एक्स प्लस 6 इंटू बी, बी की वैल्यू है 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6. तो ये देखिए 2 वन ज़ा 2 2 3 ज़ा 6. तो ये कितना आ गया, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 6. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस 3 दैट इज 3. राइट, अब एक्स आ गया 3. अब बी की वैल्यू हमने पता है 1 अपॉन वाई हमने b के इक्वल माना था, तो 1 अपॉन वाई बी कितना आया, 1 अपॉन 2. राइट, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 की मल्टीप्लिकेशन इस 1 में और y की मल्टीप्लिकेशन इस 1 में. तो ये आ गया 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 इंटू वाई. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इज़ द आंसर.